डर गए हो कि नई चिंगारी आ रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये भी बोलते हैं कि इनका पिछला ये देखो, ये बाहर से आए हैं, गांव से आए हैं। यार गांव तो हमारी शान है। अगर गांव वाले 50,000 1,00,000 वोट है, अगर वो नहीं वोट दें, ये तो भीख मांगेंगे। ये तो इसलिए उठते हैं कि हमारी पेंशन चले, हमारी तनख्वाह चले 80,000 रुपया। ये लोगों की भलाई के लिए नहीं उठते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। इनके अपने ठेके चल रहे हैं अरबों के करोड़ों के, वो ठीक है, इनके पीछे चलना है आपने ईमानदारी से चलना है। इनने बोला कि इनमें भी कुछ दागदार है, क्या दागदार है? कोई चोरी की है आज तक? किसी का गला घोटा है? गरीबों की शादियां कराई हैं, बलड़ दिए हैं? वो चीज़ क्या गलत है? वो चीज़ हमने गलत की है? कोई भी मुझे बोले कि नजीब खानी ने कांग्रेस का 1 रुपया खाया है, कोई मुझे बोले NC का मैंने 1 रुपया खाया है, कोई मुझे बोले कि आज तक मैं BJP का दरवाजा भी देखा है। नजीब खानी ऐसी शख्सियत है, मैंने जिंदगी में कभी भी पैसे को अहमियत नहीं दी है, मैंने इंसानियत को देखी है। इंसानियत मैंने देखी है, इनको पता है सारा। मैं जितना हिंदू के साथ हूँ उतना मुसलमान के साथ हूँ। हमारा मेहराज साहब मलिक, मतलब देखो आप नेता कितना ईमानदार नेता है जिसके पीछे हम हैं। और ये लोग बोलते हैं कि आप गांव वाले के पीछे हो। यार गांव वाला क्या, अभी अगर शबीर उठना चाहे उठे, मैं इसके पीछे पीछे चलूंगा। इसमें काबिलियत होनी चाहिए, इसमें असेंबली में लड़ाई करने की मतलब परख होनी चाहिए कि मैंने वहां पे लड़ना कैसा है। मैंने DC आप उसके बाद DC को क्या बोलना है, SP को क्या बोलना है जिससे लोग मुतासिर हों। ये नहीं हर कोई जड़ा खड़ा बोले कि मैं ही उठूंगा मैं करूंगा ना। सरदार साहब को अगर ये है, ये भी उठ सकते हैं, यासर साहब उठ सकते हैं, जवाहर साहब उठ सकते हैं, सुजान साहब उठ सकते हैं। अगर लोगों को नजीब में लगता है नजीब उठ सकता है, लेकिन उठने के लिए कोई नहीं, सिर्फ आपको बोलने के लिए कि भाई आम आदमी ये है, आम आदमी का एजेंडा क्या है, बिजली फ्री करना। दिल्ली में कौन सी बिजली है? दिल्ली में कौन सी बिजली हम फ्री कर रहे हैं? वहां पे पानी है? पानी नहीं है वहां पे, यहाँ पे हमें पानी है, अपना दरिया है, सब कुछ है। हाँ 3-3 डैम बने हुए हैं और हमें बिजली नहीं है। लोगों को 80,000 40,000 1,00,000 ये आता है किराया आता है, किस चीज का भाई क्यों दे हम? हाँ इंदिरा गांधी ने तो बोला था कि 1987 में कि ये तो आपका मादरी ये चिनाब ये वैली है, आपको हम फ्री कर देंगे। उसके बाद किसने दिया? अगर मोदी साहब चाहते वो नहीं देते हमें फ्री, ये LG चाहता वो नहीं देता फ्री। आज चलते हैं ये BJP वाले पटका लगा के बोलते हैं हम आपको बिजली फ्री करेंगे। वो कैसे करोगे जब आप हुकूमत में होके नहीं कर रहे हो, तो कब करोगे, कैसे करोगे? स्कूलों की इतनी बुरी हालत है, इंशाल्लाह ये आम आदमी करके दिखाएगी आपको। अगर आम आदमी का परचम उठा, ये बोलेंगे अभी कि नहीं कितने थे 10 आदमी, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये 10 लोगों की आवाज, ये 10,000 घरों में 10,000 से 2,00,000 3,00,000 बनेगी। और इनका इनको पता नहीं चलेगा कैसे इनको घरों को झाड़ू हम लगाएंगे, क्योंकि सारे ईमानदार हैं। हम सिर्फ ईमानदारी के पीछे हैं, हमने काम किया है। मैंने 15 साल हेल्पिंग हैंड चलाया है, ये क्या बोलते हैं, सिर्फ गरीबों के लिए अपना पैसा खर्च किया है, सबको दिया है, लेकिन हम पैसे के पहरेदार नहीं है, पैसे के शौकीन हैं। हम सब चाहते हैं कि हम काम करें, एक नया चेंज के बने, नया एक मतलब यहाँ का चेंज हो जाए। ये आते नहीं बने कि किसी को पैसे देने हैं, किसी को टैंकियाँ देनी है, किसी को पाइपें देनी है, ना आते खराब कर दिए सब। हाँ किसी को ज्यादा ही है, मैं बाकी जो भी लोग हैं उनको बोलना चाहता हूँ, दे दो पैसे भी ले लो टैंकियाँ भी दो, लेकिन उनको वोट नहीं देना, ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। हिंदुस्तान को बर्बाद अगर आपने होने देना है, प्लीज इनको वोट नहीं दो। आम आदमी को विजन को देखो और आम आदमी का ऐसा नेता देखो, ऐसा अच्छा आदमी देखो जो आपके लिए लड़े, जो आपके लिए मरे। वाह।